जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला दो चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया। जैसे टिफिन ब्रेक लंच ब्रेक लेके चुनाव प्रचार करने वो बैक टू तिहाड़ चले गए। क्या आप सैम पिट्रोडा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे देश की संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम किया तो नेहरू जी ने किया था। मैं दंगे की चोट पर कहता हूँ, इंदिरा जी के समय वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गए। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला दो चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पोंजी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था, और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। और जो जेल से निकलकर आए थे, जैसे टिफिन ब्रेक लंच ब्रेक लेके चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूल कर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने? एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया। आज दिल्ली की जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं की हालत देख लीजिए, चोर चोर मुसेरा भाई, सब ने मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई, लेकिन दिल्ली की जनता ने खाता भी नहीं खुलने दिया, सातों की सातों सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी सरकार दिल्ली में है जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जेल में है, जिसका जेल मंत्री जेल में है, जिसका कानून मंत्री जाली फर्जी MA LLB की डिग्री लेकर वो उसमें जेल में, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और यही नहीं, आपका नहीं, दिल्ली का,
आपकी मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपकी बात बाद में करूंगा। और जो जो देखिए, मुझे लगता था अध्यक्ष जी, जिस तरह से तमिलनाडु में 60 के लगभग लोगों की मौत शराब, नकली शराब के कारण हुई, आपको तो खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। अध्यक्ष जी जो खड़े हैं मैं समझ सकता हूं, जो बार बार खड़े हो रहे हैं वो 2G घोटाले के समय किस किस पर आरोप लगा, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम मैं यहां पर लूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब इनको लगा, माननीय अध्यक्ष जी जब इनको लगा कि घोटाले वालों का सारा गठबंधन इकट्ठा करने के बाद भी, भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा करने के बाद भी हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति की गई। क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ, और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे वाले फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं। और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये ईवीएम पर भी आरोप लगाते गए, और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात उस पर आऊंगा सब पे अभी। माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का है कि इनके कुछ नेताओं ने हम हिंदुस्तान के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की हैं। जहरीले बोल, सैम पिटी रोडा जो किसी के अंकल, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है, और सर सैम पिट्रोडा का ये बयान, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या सैम पिट्रोडा का ये बयान और कांग्रेस की सोच एक है? अगर ऐसा नहीं तो कौन सी मजबूरी है कि अंकल सैम को पार्टी में लेना वापिस जरूरी है? मैं केवल कांग्रेस से ही नहीं, मैं राहुल गांधी जी से नेता प्रतिपक्ष से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो सैम पिट्रोडा के बयान से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? क्या नस्ल भेदी टिप्पणी ये भारत के लोगों को स्वीकार नहीं? मैं पूछता हूं, आप दक्षिण के भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के लोगों को नस्ल भेदी टिप्पणी करते हो, हमें स्वीकार नहीं? ये भारत के लोगों को अपमान है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हैं, मारन जी हैं, राजा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बाकी सब हैं, सुदीप दा, बाकी सब लोग हैं, क्या आप सैम पिट्रोडा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि यहीं सर यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर, क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सके, जो मां भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो क्या हम उस दिशा में पढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान, जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी, आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया, तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, डिवेल्युएटिंग एंड डिमीनिंग इट, दैट टू बाय अ पार्टी हु हैज फॉरएवर बीन एक्टिंग अगेंस्ट द इथोस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है।
इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंच तीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो। नकली मार लो, बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है, संविधान को कुचला किसी ने? माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था, देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई यह है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए, तमिलनाडु नहीं है, बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं आप पर, ये बिल्कुल। और मैं याद करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने आज तक धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है, और इसको दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 93 टाइम्स राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। अरे इनका अहंकार और तानाशाही इतनी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाते थे। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, उन्होंने भी संविधान पर 50 बार 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को बर्खास्त किया था। एनडी गठबंधन की कैसी विडंबना है कि इस गठबंधन में शामिल
वामपंथी दल जिनकी पहली बार अगर सरकार को किसी ने बर्खास्त किया तो उस समय की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, और कम्युनिस्ट पार्टी आज उनका समर्थन करने की बात करती है। और डीएमके जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं, आपकी सरकार को भी उस समय बर्खास्त किया तो कांग्रेस ने ही किया था, और इंदिरा जी ने तो इसका 12 बार से ज्यादा दुरुपयोग किया। और यही नहीं, और ये तो कांग्रेस तो इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ करती रही। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नेहरू जी ने तो संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था। देश की संविधान बनने के 15 महीने के अंदर ही संविधान पर सबसे पहला प्रहार नेहरू जी ने किया था। आर्टिकल 19 जो इस देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की अरे सुनना पड़ेगा भाई, क्यों अगर अगर माननीय अध्यक्ष जी सच नहीं है तो खड़ा होकर बोले कि नेहरू जी ने नहीं किया। अरे देश की संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम किया तो नेहरू जी ने किया था, मैं दंगे की चोट पर कहता हूं। और ये आर्टिकल 19 को इस देश के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन्होंने उस आर्टिकल को ही अंकुश लगाने का प्रयास किया। यह मामला था ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड पत्रिकाओं पर नेहरू जी की आलोचना हुई। लिखा सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाई थी। तो पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का दर्द नेहरू जी को तो और धन्यवाद करना चाहिए था ऑर्गेनाइजर का, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया और पहला संशोधन उन्होंने जून के महीने में इसी महीने में लाए। और इंदिरा जी ने भी एमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव, इंदिरा जी के समय वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गई। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी। एमरजेंसी देश ने देखी, वो काला अध्याय देश भूलेगा नहीं। 21 महीनों के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए, अपने हिसाब से मिनी संविधान तैयार करने का, अध्यक्ष जी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, संविधान तैयार करने का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया। और सदस्य जब बोले क्रोध निकले और इसको 5 साल पालन करना है, सर एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार, न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है, इमरजेंसी थोपने वालों के साथ आपको गठबंधन जरूरी है? अब आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हो। और यही नहीं, मीसा जी, बहन मीसा जी हैं, इनका तो जन्म ही मीसा एक्ट के दौरान हुआ। देश में मीसा थोपा गया तो मीसा जी का जन्म हुआ। ना जाने कितने लोगों का जान ली गई। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, इन्होंने अनेकों मैं अटल जी की 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जो एक साल जब इमरजेंसी का हुआ तो उन्होंने क्या कहा था, जुसलाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया। सिंचों में सिमट राजग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गूंज मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया। ये हमारे नेताओं ने अपनी, आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, कहते थे ईवीएम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं इन सभी सांसदों से पूछना चाहता हूं, विपक्ष के, क्या ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी?
माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, उसमें सुधार, धारा 370 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश आ रहा है और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।